हेलो एवरीवन, सभी साथियों को नमस्कार, सभी ट्रेनी को नमस्कार। ट्रेनी, ये हमारा कोपा ट्रेड का एक टेस्ट है और ये 2019, 20, 21 जो भी हमें क्वेश्चन मिले हैं वो मैंने मिक्स करके इसमें डाल दिए। समझ गए मेरी बात को अच्छे से? इन क्वेश्चनों को आपको कैसे करना है, एक से लेके 15 तक काउंट कर लेना है, यानी कि एक से लेके 15 तक अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। और आपका जितना भी स्कोर हो, ईमानदारी के प्रति आप लोग स्कोर करके बताओगे कि हमारा 15 में से 10 आया, 5 आया, 15 आया, 14 आया, जितना भी आया कमेंट करके बताना है, ठीक है। और साथियों, कोपा ट्रेड की आपको क्लासें भी बहुत जल्द स्टार्ट कर देंगे। क्वेश्चन जो है नीमी अपडेटेड पीडीएफ हमें मिल चुकी है, वो आपको हम करवाएंगे, ठीक है। और अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहा तो हफ्ते में 3 मॉक टेस्ट आपको दिया करेंगे थ्योरी से रिलेटेड, ठीक है। तो कमेंट करके बता देना और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से, ये घंटी है इसको प्रेस करो और इस पर ऑल पर, उस घंटी को ऑल पर प्रेस ऑल कर लेना, ठीक है। ऑल तो क्या होगा, जब भी हम वीडियो बनाएंगे तो विद इन सेकंड में आप तक हमारी वीडियो पहुंच जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं मेरी बातों को समझ चुके होंगे और आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट जरूर करेंगे, ठीक है। आखिरी में एक क्वेश्चन दूंगा, चैलेंज क्वेश्चन रहेगा, कमेंट करके आपको बताना है उसका आंसर, ठीक है, और स्कोर आपका बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखो, वह क्रम कौन सा है जिसमें कंप्यूटर संचालित होता है। अब हमें ये बताना है ऐसा कौन सा वो है, देखो, विच इज़ द सिक्वेंस इन द, वो कह सकते हैं इन विच कंप्यूटर ऑपरेट्स, या हम कह सकते हैं इनपुट आउटपुट प्रोसेस, या हम कह सकते हैं इनपुट प्रोसेस आउटपुट, या हम कह सकते हैं प्रोसेस इनपुट आउटपुट, या आउटपुट प्रोसेस इनपुट। तो देखो, सही आंसर जो हो जाएगा इसका वो कौन सा हो जाएगा, देखो वो हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले इनपुट होता है, फिर प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट होता है। ये एक सही क्रम है और क्रमबद्ध है, ठीक है। तो इसका बी आंसर अगर आपने लगाया है अपनी कॉपी में लिख लीजिए, एक नंबर के आगे बी आंसर। अगर आपका सही है तो सही कर लो, गलत है तो कट कर दो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। बताइए जल्दी, सभी लोग कमेंट करें, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। अगर अपनी कॉपी में नोट डाउन लिखिए, लिखिए चार्ल्स जॉन क्रिक, यानी लिंक वो लिकर्ट, या फिर जॉन मर्चे, या एमबी विलिंकेस। बताइए सभी लोग कमेंट करिए फटाफट। तो कंप्यूटर के जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज, ठीक है, चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक करता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओएस के लिए कौन सा उदाहरण है। ओएस के लिए पूछा है कौन सा उदाहरण है, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा तीसरे का, तो ओएस के लिए हो जाएगा विंडोज़। कौन सा हो जाएगा, विंडोज़, यानी कि हमारा तीसरे का वी आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विंडोज़, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4, अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलना, ठीक है। चलिए, फाइल फोल्डर को कॉपी और पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। बताइए सभी लोग कमेंट करेंगे। तो कंट्रोल प्लस सी एंड कंट्रोल प्लस बी, क्या बोला, कॉपी और पेस्ट के लिए, ठीक है। तो इसका डी आंसर अपनी कॉपी में लिख लीजिए जल्दी से, अगर आपने डी आंसर अगर आपने लगाया है तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। देखो, कंट्रोल प्लस सी होता है कॉपी के लिए और पेस्ट के लिए जो होता है कंट्रोल प्लस वी, ठीक है। तो इसका सही आंसर डी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़िए जल्दी सभी लोग, विंडोज डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। रिफ्रेश करने के लिए F1, F2, F5 या फिर F5 बाद F12। चलिए कमेंट करिए फटाफट। तो रिफ्रेश करने के लिए हमेशा याद रखना, अपनी कॉपी में लिख लिए 5 नंबर का ABCD जो भी है आप कंपनी कॉपी में लिखिए, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा F5। क्या हो जाएगा, F5 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा
थोड़ा सा, एक मिनट, हाँ चलिए। तो इसका सही आंसर क्या था? F5। एक बार फिर बता दूँ मैं, क्या हो जाएगा इसका? F5 हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है टिपिकल DVD का क्षमता क्या है। देखो DVD का क्षमता पूछा गया है 6 नंबर में, ABCD। जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए इसकी क्षमता क्या है। सभी लोग जल्दी बताएंगे DVD की क्षमता क्या है, एक एक करके सभी लोग ईमानदारी से, और कॉपी में नोट डाउन करते चलना, ठीक है? चलिए, और प्रीवियस क्वेश्चन है, मैं फिर कह रहा हूँ कोपा के ही क्वेश्चन है, किसी अन्य ट्रेड के नहीं है, ठीक है? चलिए बताइए फटाफट 6 नंबर का। बहुत बढ़िया, डी आंसर, यानी कि 6.7 GB सही आंसर हो जाएगा। डी आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे लेके चलते हैं आपको। आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा, देखो हार्ड ड्राइव पर सभी डेटा को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वो हमें बतानी है। बताइए सभी लोग कमेंट करिए फटाफट। 7 नंबर का कमेंट करके बताइए। अगर आप लगा रहे हो फॉर्मेटिंग सी आंसर, तो इसका ये सही आंसर माना जाएगा और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? क्या? 7 का सी आंसर। बहुत बढ़िया, आगे लेके चलते हैं। आगे क्वेश्चन ये रहा, संपूर्ण शब्द दस्तावेज को उच्च प्रकाश में लाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो किसका करते हैं? जल्दी से ABC अपनी कॉपी में लिखिए, जल्दी सब लिखिए। संपूर्ण शब्दावेज को उच्च प्रकाश में लाने के लिए हमेशा याद रखना, हम Ctrl+A का प्रयोग करेंगे। ए आंसर एकदम इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? 8 नंबर का ए आंसर। चलिए आगे लेके चलते हैं। क्वेश्चन तो थोड़ा एक मोटिवेशन है, किस्मत की बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं, ठीक है? चलिए क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रोसेसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। जल्दी सभी लोग कमेंट करेंगे, MS Word, MS Excel, MS Access या फिर MS Power पब्लिशर। जल्दी से सभी लोग कमेंट करें। 9 नंबर का, 9 नंबर का ए आंसर लगा रहे हो तो बिल्कुल सही, MS Word। 9 नंबर आगे लिखो और उसके आगे ए आंसर, बी आंसर, जो भी हो ईमानदारी से करना, ठीक है? अगर गलत किया तो कट कर दो। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा, आगे क्वेश्चन कह रहा है पेस्ट से पहले कौन सा ऑप्शन किया जाता है। देखो पेस्ट से पहले कौन सा ऑपरेशन किया जाता है वो हमें बताना है। 10 नंबर का, बताइए Ctrl+V या कट ऑफ अपॉन कॉपी या सेलेक्ट ऑल या सेलेक्ट टेक्स्ट। कमेंट करेंगे सभी लोग ईमानदारी से। 10 नंबर का, हाँ 10 नंबर का ही बताओ। बहुत बढ़िया, ए आंसर गलत। 10 का कट अपॉन कॉपी, ठीक है? ये आंसर इसका 10 नंबर का सही आंसर, बी आंसर माना जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। MS Excel में कोशिकाओं का नाम कैसे दिया जा सकता है, कैसे दिया जाता है वो हमें बताना है। देखो अल्फा न्यूमेरिकली या न्यूमेरिकली या स्पेशल कैरेक्टर या फिर अल्फ़ाबेटली, तो आप आसानी से बता सकते हो। जो MS Excel जो होता है ना उसमें अल्फा नंबरिकली जो नंबर होते हैं वो होते हैं, ठीक है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? इसका भी सी आंसर हो जाएगा। 11 का क्या आपने सी आंसर लगाया अल्फा नंबरिकली, तो ये आपका सही आंसर माना जाएगा, ये बात ध्यान रख लो, ठीक है? चलिए, और हाँ ट्रेनी, अगर आपके 11 क्वेश्चन ये सही हैं तो आप समझ जाइए आपकी थ्योरी में कोई नंबर काट नहीं सकता है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कह रहा है MS Office में या MS Office किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है वो हमें बताना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बताइए MS Office बता सकते हो सभी लोग? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या ऑपरेटिंग या प्रोग्रामिंग या सिस्टम सॉफ्टवेयर है, बताइए। सभी लोग अपनी कॉपी में जल्दी से लिख लीजिए और इसके सामने लिखिए क्या इसका आंसर होगा। हाँ बिल्कुल सही, ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे लेके चलते हैं, यार हर बार हट जाता है। चलिए हाँ ठीक है, चलो आगे। नंबर ये रहा, एक्सेल 2010 कि फाइल एक्सटेंशन क्या है वो हमें बताना है, बताइए। सभी लोग कमेंट करेंगे XLSX, तो यही इसका डी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है? 13 का डी आंसर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है MS Excel में सूत्रों का उपयोग किस प्रतीक के द्वारा किया जाता है।
अब ये प्रतीक अगर आपको नहीं मालूम है तो बहुत बड़ी गलती है आपके साथ। थ्योरी में मतलब अपने आप को 0/0 समझ लो, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए आंसर, बराबर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अब कोई क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। अब देखो ये क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, ठीक है, बताइए। हाँ बिल्कुल सही, प्रेजेंटेशन ग्राफिक है, कौन, पावर पॉइंट, ठीक है। तो इसका सी आंसर इसका सही हो जाएगा, सी वाला, ठीक है, क्या हो जाएगा, सी वाला इसका सही हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आप लोग हमें कमेंट करके बताओगे, सभी लोग कमेंट करके बताओगे, ठीक है। क्या है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को रोकने के लिए किसकी का उपयोग किया जाता है, ए और बी में से कोई एक है, आप लोग हमें कमेंट करके बताओगे, ठीक है, कमेंट करके बताओगे, ठीक है, जो भी हो हमें नहीं मालूम, आप लोग कमेंट करके बताओगे। अगर आपकी तैयारी अच्छे से चल रही है तो ये चैलेंज और आपका जितना भी स्कोर हुआ हो वो हमें कमेंट करके बता देना, ठीक है। और अगर आप ऐसा ही मॉक टेस्ट और चाहते हो, एक क्लासेस चाहते हो, तो हमें कमेंट करके बता देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।